सिद्धार्थ के जाने के बाद सभी फैंस के दिलों में एक ही सवाल है कि अब शहनाज कैसी हैं, शहनाज की तबीयत कैसी है, शहनाज खुद को संभाल पा रही हैं या नहीं, कुछ खा रही हैं या नहीं। सभी फैंस बहुत बहुत ज़्यादा चिंता जताते हैं शहनाज के लिए। भाई शहनाज के लिए अपना प्यार और सपोर्ट भी बराबर से दिखा रहे हैं फैंस। उन्होंने ट्रेंड भी चलाया शहनाज के लिए। भाई प्यार हम बहुत करते हैं अपनी शहनाज से, और उन्हें इस तरह से इस हाल में देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सभी फैंस के लिए। तो गाइस सिद्धार्थ को गए हुए आज एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हम सब फैंस भी यह मान नहीं पा रहे हैं कि सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं है। ऐसा लगता है यहीं कहीं है सिद्धार्थ, हमारे आसपास ही हैं सिद्धार्थ, देख रहे हैं सबको। तो फैमिली और शहनाज पर क्या बीत रही होगी ये तो हम सभी लोग समझ ही सकते हैं। शहनाज बहुत ज़्यादा सदमे में है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और ख़ुद को संभाल पाना उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है गाइस। लेकिन सिद्धार्थ की मम्मी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने खुद को संभाल रखा है और वो शहनाज को भी संभाल रही हैं गाइस। शहनाज का हर पल ध्यान रख रही हैं और उन्हें भी स्ट्रॉन्ग होने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं। शहबाज भी हैं उनके साथ, जो कि हर पल साए की तरह शहनाज के साथ हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। तो सभी मिलकर शहनाज का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन शहनाज भाई, शहनाज जो सदमे में है वो तो एक अलग ही बात है, क्योंकि शहनाज का रिश्ता सिद्धार्थ के साथ बहुत ज़्यादा गहरा था और आज भी है। शहनाज के दिल में सिद्धार्थ के लिए क्या जगह है वो तो हम सभी जानते ही हैं। पूरी दुनिया थे सिद्धार्थ शहनाज के लिए, या यूं कहें कि पूरी दुनिया है, और वो इस तरह से चले गया तो शहनाज बहुत बहुत ज़्यादा दुखी, और उन्हें इस सदमे से निकलने में वक्त लगेगा गाइस। और ये वक्त हम सभी फैंस को उन्हें देना ही पड़ेगा, और वो जो भी फैसला लेंगी हमें हमेशा उनका सपोर्ट करना ही है गाइस। तो सिद्धार्थ के बाद शहनाज की बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, लेकिन अब गाइस वो कुछ हद तक संभल रही हैं। जैसा कि बहुत ज़्यादा खबरें फैल रही हैं कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, उन्हें ग्लूकोज दिया जा रहा है, वो खाना नहीं खा रही हैं, इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है गाइस। और इस बात पर खुद बताया है कैन ने, जो कि सिद्धार्थ और शहनाज के खास दोस्त और डिज़ाइनर भी हैं। उनसे किसी फैन ने ही पूछा था क्या शहनाज खाना नहीं खा रही हैं या वो हॉस्पिटलाइज हैं, प्लीज़ आप रिएक्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शहनाज दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं हैं, वो ठीक हैं, सदमे में हैं, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, मुश्किल है, बस हम सभी फैंस को उनका सपोर्ट करना है। कैन ने भी कह दिया है कि शहनाज हॉस्पिटलाइज नहीं है, तो गाइज आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, बस सिद्धार्थ को अपनी बातों में और यादों में हमेशा रखिए, और शहनाज को हमेशा हमेशा सपोर्ट।